क्या हाल चाल है आप लोगों का उम्मीद है सब खैरियत से होंगे सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपने मेरी चिकन कढ़ाई वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट आज की वीडियो बेसिकली अगर आप इसे कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूटी थी जो एक वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले पोस्ट की थी अबाउट कैंपिंग विलेज ये उसी विलेज के एक दिन हम लोग वेनिस चले गए थे क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जिस कैंपिंग विलेज में हम गए थे वो वेनिस के बहुत ही करीब था मतलब हार्डली आपने ट्वेंटी मिनट्स की बोट लेने थी और आप जो है शिप सॉरी लेनी थी और आप जो है वो वेनिस की तरफ चले जाते हैं तो इस दिन पर हमने सोचा कि हम एक दिन वेनिस में स्पेंड कर लेते हैं तो हमने एक डे ट्रिप कर कर लिया था आ, उसकी टोटल प्राइस तो मुझे ऐसे याद नहीं है आ, लेकिन वो ये था कि आपने थ्री डिफरेंट आइलैंड्स घूम लिए हैं इसमें वेनिस था और दो और थे और वो आपका पूरा एक फैमिली टिकट आपको मिल गया था तो हमने इसी तरह हम सुबह उठे और हमने आ, नौ बजे हमारी जो शिप का टाइम था वो वो था हम वहाँ जा कर खड़े हो गए अपनी शिप का वेट किया और फिर हम शिप में बैठे और फिर हम वेनिस की तरफ गए और रास्ते में इसी तरह हम इन्जॉय करते गए सारा व्यू क्योंकि बहुत ही खूबसूरत समंदर है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और काफ़ी ज़्यादा शिप्स बोट्स और जितने नेवी के जो बड़े बड़े आपके जहाज़ होते हैं सब वहाँ घूम रहे थे और फिर हम जब वहाँ पे वेनिस की जो है साहिल पे जब उतरे उन्होंने हमें उतारा उसके शोर पे तो वहाँ ये दरिया समंदर का जो पानी था वो ऑलमोस्ट अब उसके क्योंकि उसके लेवल पर था आपके ग्राउंड के तो वो इतनी तेज वेव्स आ रही थी कि वो छल चल उछल के जो है वो अंदर की तरफ आ रहा था तो वहाँ पे एंट्रेंस पे बहुत मज़ा आया हुआ मेरा बेसिकली वैनिस में सेकेंड टाइम है हम ऑलरेडी एक दफ़ा पहली दफ़ा जा चुके हैं जब मैं मेरे हस्बैंड हम लोग स्टूडेंट थे यहाँ पे तब हम एक स्टूडेंट ट्रिप के साथ आए थे और हमने यहाँ पे तकरीबन एक दिन तब भी स्पेंड किया था अपने फ्रेंड्स के साथ और तब भी हमें बहुत मज़ा आया था और मुझे वेनिस पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर कोई सिटी खूबसूरत लगा था तो वो वेनिस ही लगा था और आज हम ऑलमोस्ट सेवन ईयर्स बाद फिर से आए और माशाला अब हम अपनी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए थे अब ये हम पहुंच चुके हैं सेंट मारिया स्क्वायर पे जो कि वेनिस का सबसे जो है फेमस पॉइंट है इस पर्टिकुलर जगह पे जो है बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी शूट हुए हैं जिसमें वन ऑफ़ द तो सॉन्ग जा खुदा जाने था ये सामने आपको जो है बहुत एक बहुत ही फेमस कैथेड्रल नज़र आ रहा है इसकी अपनी एक हिस्ट्री है कभी टाइम मिले तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आपको आइडिया होगा कि ये कितना एनशियन कैथीडल कैथीड्रल है मतलब चर्च है अब ये आ, वेनिस का सबसे जो है जो उनका टूरिस्ट पॉइंट है वो ये गोंडोला शिप्स है बोट्स हैं सॉरी और ये उनकी सबसे ज़्यादा फेमस है लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर यहाँ आएंगे तो इसमें डेफिनेटली बैठेंगे इसमें मेरे ख़्याल से जो पर बोट पे अगर आप फ़ाइव पीपल हैं तो फाइव पीपल के हिसाब से रफली आपको हंड्रेड यूरोज़ का टिकट पड़ जाता है तो अगर आप फ़ाइव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं तो आपको सस्ता पड़ जाता है अगर आप एज़ अ फैमिली जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको यह महंगा पड़ता है बट स्टिल इट्स वर्थ टेकिंग मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर यहाँ जाएँ और गोंडोला राइड ज़रूर लें बहुत मज़ा आता है वेनिस की गलियों में इस तरह से घूमना इस पॉइंट पर एक पॉइंट ऐसा आया था कि जहाँ पर थोड़ी सी ना गटर गटर की स्मेल भी आ रही थी तो उस पर फ़ौर ही जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे ताना मारने की कोशिश की कि, कि जब तुम पाकिस्तान में होती हो तो तुम्हें यह स्मेल इरीटेट करती है और यहाँ हम सौ यूरो दे के बोर्ड में बैठ के हम स्मेल ले रहे तो उस पर वहाँ मेरी उनसे थोड़ी बहस हुई कि मतलब ये किस तरह की बात है मतलब आप किधर की बात किधर से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन ये बात सही थी कि एक पॉइंट बीच में ऐसे आया था कि जहाँ पे वाकई बहुत बुरी स्मेल आ रही थी और वो रीज़न ये थी कि आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले वेनिस में बिल्कुल जो है ये दर जो समंदर था वो पीछे चला गया था और ये पूरा जो है वो ड्राई हो गया था तो उसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ड्रेनेज की और इन चीज़ों की उस वक्त जो है वो बेनिस में बहुत ज़्यादा हो गई थी अब ये इनका हम बिल्कुल एक ओपन एरिया में आ गए हैं जहाँ आपको हर तरह की जो है वो शिप्स नज़र आएंगी बोट्स नज़र आएंगी और ये बहुत ही खूबसूरत एरिया था और ये भी अगर जो लोग वेनिस देख चुके हैं उनको आइडिया होगा कि ये भी एक वन ऑफ द फेमस एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा शूटिंग्स हुई हुई हैं बॉलीवुड की और अब ये अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर चूँकि कंजेस्ट होता है बहुत ज़्यादा तो बोट को टर्न करना जो है वो एक बहुत बड़ा आर्ट है जो ये बोट के जो राइडर्स हैं इन्हें ही आते हैं और ये बहुत खूबसूरती से इतनी तंग तंग गलियों के अंदर इतने मज़े से बोट्स को टर्न करते हैं इतनी मर्ज़ी उनको पूरा उनका राउंड अबाउट कर देते हैं सो इट्स परफेक्ट वो अपने मतलब काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका वेनस का चक्कर लगे तो गांडोला राइड ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस होता है आपने रोज़ रोज़ जाना नहीं है तो अगर आप गए हैं तो आप डेफ़िनेटली लें अब यहाँ पे बस हमारा वेनिस का जो ट्रिप था वर्ण होने वाला था तो मैंने सोचा कि ये मेरा ट्रेडमार्क एक जगह थी जहाँ मैंने आज से सात साल पहले भी एक पिक्चर ली थी सोलो तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं जो हूँ ना आप अपनी फैमिली के साथ भी एक पिक्चर ले लेते तो मैंने कोशिश की कि, कि मेरे बच्चे किसी तरह तमीज़ से बैठने की कोशिश कर लें ताकि हम एक अच्छा फैमिली फ़ोटो ले लें बट आपको तो पता है बच्चों ने कसम खा ली कि उन्होंने नहीं बैठना तो फिर मैंने उनको हटाया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आएँ आप मेरे साथ बैठे और हम दोनों मिल एक पिक्चर लेते हैं तो फिर मैंने ये इस खूबसूरत जगह पे जो है वो हम दोनों ने एक अपनी जो है पिक्चर ली जिसको बाद में मैंने फिर कई जगहों पे यूज़ भी किया तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है ये एग्जैक्टली वही स्पॉट थी जहाँ मैंने आज से सात साल पहले भी अपनी एक पिक्चर ली थी बस यहाँ से फिर हम वैनस से निकल के हमने बाकी के दो आइलैंड्स घूमे जो कि हमारे ट्रे, डे ट्रिप में इंक्लूडेड थे ये उस एरिया की जगह है और यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ करने के लिए था नहीं बस आपने जल्दी से आइलैंड घूमना है और फिर वहाँ से निकलना है अगर आपने खाना पीना है तो आप खा लें वेनिस में बेसिकली खाने का बहुत ज़्यादा मसला इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर हलाल ऑप्शन तो है नहीं तो आपने मैक्सिमम भी अगर कुछ खाना है तो वह पिज्ज़ा मार्केट ले सकते हैं या इस तरह की जो वेजिटेबल डिशेज भी जो इतनी अजीब होती हैं तो आप मैक्सिमम पिज्ज़ा ही खा के जो है ना वो गुजारा करते हैं उस दिन के लिए तो बस फिर इसके साथ ही हमारा दिन का अख्तितम हो गया और फिर हम वापस अपने जो कैंपिंग विलेज था हमारा मरीना दे मनीजिया हम वहाँ चले गए और फिर हमने अगले दो दिन वहाँ पर स्पेंड किए और फिर हम अपने घरों को वापस आ गए चले अब इसके साथ ही मेरी वीडियो भी ख़त्म होती है आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप कहीं मत जाइएगा मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अल्लाह हाफिज़